हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश धर्मे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट। द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू नो अबाउट बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। द वेरियस प्रोग्राम आउटकम दैट वी अचीव in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7, and similarly the program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. Now we see the measurement and its significance. Now measurement kya hota hai? Is the process of comparing various characteristics ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ, डायमीटर, इसका वॉल्यूम कितना है, ये सभी हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो मैं कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की, वो क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर में कैसे चेक करूंगा, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो यहाँ पे ये जो वर्नियर कैलिपर यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ, तो डायमीटर इज ऑल्सो लेंथ। तो डायमीटर में मेजर कर रहा हूं किसके साथ, कंपेयर करके, वर्नियर कैलिपर के लेंथ के साथ कंपेयर करके मैं डायमीटर को मेजर कर रहा हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो डायमीटर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऑब्जेक्ट का, ये मैं वर्नियर कैलिपर के ये लेंथ के साथ या फिर वर्नियर कैलिपर के कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैं मैच करके ये इसका डायमीटर कितना है ये कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये आ रहा है 32.96, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट। Now we see the significance of measurement. So significance क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन मतलब जहां पे ऑटोमेटिक वर्क होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमाइजेशन, फॉर इंडिकेटिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन एंड ऑल्सो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। कंट्रोलिंग फंक्शन मतलब अगर मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का डायमीटर 32.96 mm होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इसको मेजर करना पड़ेगा, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग फंक्शन मतलब मुझे इसका डायमीटर इतना ही होना है तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। एंड ऑल्सो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी मतलब जहां पे प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे भी मेजरमेंट का यूज होता है। द इनएक्यूरेट मेजरमेंट लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट एंड हेंस द इनकरेक्ट प्रोसेस कंट्रोल। सपोज एक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इंडस्ट्री में जिसका डायमीटर चाहिए मुझे 32.96 ओके या फिर 20.36 mm, लेकिन इन एक्यूरेट मेजरमेंट से मैं मेजर कर रहा हूँ उसको लेस या फिर लार्जर, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा वहां पे, क्वालिटी प्रोसेस, इट विल बी इनकरेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस मेजरमेंट, शिप्स एंड एरोप्लेन, शिप्स एंड एरोप्लेन में कैन नेविगेट कॉन्फिडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ साइट ऑफ लैंड ओनली बिकॉज ऑफ अ प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट। तो शिप और एरोप्लेन में आप एंगुलर मेजरमेंट अगर प्रिसाइजली मेजर नहीं करोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा क्या, बराबर नहीं मिलेगा। तो दैट इज द वन एग्जांपल ऑफ अ मेजरमेंट। देर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट लाइक प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, बट हियर वी सी ओनली दिस वन एग्जांपल। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नाउ वी सी द वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट है डायरेक्ट मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, द अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। एग्जांपल लेंथ ऑफ टेबल। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक टेप दिख रहा है, टेप से मैं क्या कर रहा हूँ, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे लेंथ ऑफ टेबल में मेजर कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली अगर मैं लेंथ ऑफ टेबल इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड के साथ, रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे टेप दिया है आपको, इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उस टेबल का लेंथ मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेजरमेंट। नाउ सेकंड वन इज अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज इनडायरेक्टली कंपेयर विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर से क्या करते हैं आप, वाटर का टेम्परेचर चेक करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे, जब आप इस थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे वाटर के अंदर, देन व्हाट हैपेंस, ये कैपिलरी राइज होगा, यहाँ पे मर्क्यूरी कैपिलरी में मर्क्यूरी राइज होगा। तो इसका जो लेंथ रहेगा ये क्या बताएगा आपको, टेम्परेचर बताएगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर इज कन्वर्टेड इन टू द लेंथ राइज ऑफ
मर्क्यूरी इन द कैपिलरी, मतलब लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इन द कैपिलरी, तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब आपको डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है लेंथ में, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। नाउ वी सी द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेजरमेंट। इन प्राइमरी मेजरमेंट द अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होगा? सपोज मैं यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहा हूँ टेबल की, तो दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ, डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्टली कंपेयर विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो सपोज मैंने ये टेस्ट से अभी टेबल का लेंथ मेजर कर लिया, ओके सपोज इट इज अ 100 mm या फिर 1 meter का टेबल है आपका, तो 1 meter मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया, तो वो टेबल का लेंथ क्या हो गया आपका? अभी रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। तो वो टेबल का रेफरेंस लेके आप अगर दूसरा टेबल मैन्युफैक्चर करेंगे और ये पहले टेबल का टेबल का लेंथ दूसरे टेबल के साथ मैच करेंगे, मतलब आप इनडायरेक्टली कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? इस टेप के लेंथ के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेजरमेंट। सेकंड वन इज अ सेकेंडरी मेजरमेंट। इन सेकेंडरी मेजरमेंट इन्वॉल्विंग वन ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल थर्मोमीटर। तो वन ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इन टू द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी, मतलब टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लेंथ ऑफ मर्क्यूरी इन द कैपिलरी में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज द वन ट्रांसलेशन, इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेजरमेंट। मतलब ये जो लेंथ ऑफ मर्क्यूरी आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? टेम्परेचर ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी मेजरमेंट। द इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व टू ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये है मॉडर्न टू प्रेशर गेज, किस लिए यूज करते हैं? प्रेशर मेजर करने के लिए। तो प्रेशर जो कन्वर्ट हो रहा है, यहां से मैं गैस को इंसर्ट कर रहा हूं, तो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिनियन। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वजह से क्या हो रहा है आपको? यहाँ पे ये बॉर्डन ट्यूब डिस्प्लेस हो रहा है और आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्रेशर का रीडिंग मिल रहा है। तो दैट इज इन्वॉल्व द टू ट्रांसलेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब प्रेशर इज कन्वर्टेड इन टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉर्डन ट्यूब, दैट्स वाई द टू ट्रांसलेशन। तो इट इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट वी सी इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस विच आर यूज फॉर मेजरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ह्यूमन और ह्यूमन सेंसेस। मतलब यहाँ पे जैसे आपको ये थर्मामीटर दिया है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, अभी कोविड के पीरियड में आपने देखा होगा मैक्सिमम जगह पे इंफ्रारेड थर्मामीटर लगा रहता है, तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंफ्रारेड थर्मामीटर से उसको सेंस करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब टेम्परेचर क्या हो गई आपकी? अननोन फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर किससे कर रहे हो आप? ये इंफ्रारेड थर्मामीटर से, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका कॉन्टैक्ट टाइप। तो कॉन्टैक्ट टाइप मतलब क्या होता है? इट मेक्स अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। एग्जाम्पल क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। तो आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे थर्मामीटर दिख रहा है, इससे क्या मेजर करेंगे आप? टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर मेजर करेंगे। मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर ये क्या होगी आपकी? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और ये किससे मेजर कर रहे हो आप? थर्मामीटर से। और थर्मामीटर का जब तक वाटर से कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा तब तक मेजर कर पाएगा कि ये थर्मामीटर वाटर का टेम्परेचर? नहीं। दैट्स वाई द ये कौन सा टाइप का मेजर इंस्ट्रूमेंट हो गया? इट इज अ कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, इट डज नॉट मेक अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जैसे ह्यूमन बॉडी का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो इंफ्रारेड थर्मामीटर से, तो इसका कॉन्टैक्ट रहता है क्या ह्यूमन बॉडी के साथ? नहीं रहता है। मतलब देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन बॉडी, तो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका? इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। तो पहला जो है आपका मैनुअल ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट।
मतलब मैनुअल ऑपरेटेड मतलब क्या होगा, इट रिक्वायर्स सर्विस ऑफ एन ऑपरेटर। जैसे आपको ये वर्नियर कैलिपर दिख रहा है, तो वर्नियर कैलिपर को ऑपरेट करने के लिए आपको कोई ऑपरेटर लगेगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैनुअल ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड वन इज द ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या होगा, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटर। एग्जाम्पल वेइंग मशीन, जैसे आपको ये ह्यूमन बींग का वेट मेजर करना है, तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर लग रहा है क्या आपको? ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डायरेक्टली ह्यूमन बींग क्या हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन बींग इंसर्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसका वेट यहाँ पे मेजर हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपको ऑटोमेटिकली रीडिंग बताएगा कि ये ह्यूमन बींग का वेट कितना है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। तो इसमें क्या है, पहला टाइप सेल्फ ऑपरेटेड और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी आउटपुट पावर सप्लाई। एग्जाम्पल थर्मामीटर, जैसे आपको यहाँ पे थर्मामीटर दिख रहा है, तो थर्मामीटर को ऑपरेट करने के लिए कोई आपको आउटर पावर सोर्स लग रहा है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑपरेटेड और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। देन नेक्स्ट वन इज पावर ऑपरेटेड और पैसिव इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच को ऑपरेट होने के लिए या फिर टाइम बताने के लिए आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करना पड़ रहा है, देन एंड देन ओनली दिस इंस्ट्रूमेंट विल ऑपरेट। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पावर ऑपरेटेड और पैसिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब इट रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको, दैट इज अ रिस्ट वॉच और एलवीडीटी। एलवीडीटी अपन सेकंड यूनिट में देखेंगे। Now next one is according to the nature of output signal. तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, that is called as analog instrument. तो analog मतलब क्या होगा, the signal of an analog instrument is vary in infinite number of values in a given range. जैसे ये wristwatch है, तो आपको टाइम बताएंगे 1 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसमें क्या है माइन्यूट सेकंड का यहाँ का ऑब्जर्वेशन दिया है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, और आपको डायरेक्टली यहाँ से रीडिंग मिल रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे एरर आ सकता है, कोई अगर बोल रहा है 9:30 मिनट और 30 सेकंड हुई, या फिर कोई एक ह्यूमन बींग मेजर करेंगे तो वो बोलेगा 31 सेकंड हुए, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इन अ गिवन रेंज, तो दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, रिस्ट वॉच। नेक्स्ट वन इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब द सिग्नल ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैव अ फाइनाइट वैल्यू, लाइक अ डिजिटल थर्मामीटर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिजिटल थर्मामीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो यहाँ पे आप जब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वन वैल्यू मिलेंगी। सपोज इट इज 97 डिग्री फारेनहाइट और 98 डिग्री फारेनहाइट, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेंगी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। Now next one is according to the output display. तो इसमें पहला टाइप जो है, that is called as a null type or weighing balance. तो null type मतलब क्या होगा? Suppose मैंने यहाँ पे कुछ fruits रखे हैं और fruits का मुझे क्या करना है? Weight measure करना है, okay? और यहाँ पे मैंने रखा है standard weight 1 kg. तो 1 kg ये यहाँ पे fruit है, ये कब बताएगा? जब तक ये pointer null position पे नहीं आता है, तब तक आपको इसका measurement पता नहीं चलेगा। जब ये नल पोजीशन पे आया है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेजरमेंट मिलेगा, द वेट ऑफ दैट फ्रूट इज 1 kg, तो दैट इज कॉल्ड एज अ नल टाइप, और इसका एग्जांपल क्या है, वेइंग बैलेंस। नेक्स्ट वन इज अ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें एग्जांपल है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सपोज मुझे यहाँ पे गैस का प्रेशर मेजर कर रहा है, तो जब तक ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये स्केल के ऊपर ये दिख रहा है, यहाँ पे स्केल के ऊपर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तब तक मुझे ये गैस का प्रेशर पता नहीं चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव इंस्ट्रूमेंट एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट करते हैं अभी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट और पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले ही बताया क्या होता है, ऑपरेट अंडर एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल, ऑपरेट अंडर एनर्जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल। तो एक्टिव मतलब क्या होता है, जहां पे आपको पावर नहीं लग रहा है, लाइक अ थर्मामीटर, मतलब एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रहा है। जैसे थर्मामीटर में आप क्या कर रहे हो,
टेम्परेचर इज द कन्वर्टेड इनटू द लेंथ ऑफ द कैपिलरी, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वहां पे, एक्सपांशन हो रहा है. ऑपरेट्स अंडर एनर्जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल. जैसे रिस्ट वॉच है जहां पे आपको एक्सटर्नल पावर लग रहा है, मतलब एनर्जी पे ही क्या हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है, दैट इज अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट. नाउ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट डेवलप देयर ओन वोल्टेज और करंट, डिराइव द रिक्वायर्ड पावर फॉर एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम एक्सटर्नल पावर सोर्स. जैसे रिस्ट वॉच में आपको अगर जो मिनट के जो आप मिनट इंडिकेट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स लग रहा है. देन एनर्जी रिक्वायर्ड इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. जैसे थर्मामीटर में अगर मर्क्यूरी को एक्सपांड करना है तो एनर्जी कहां से ले रहा है आपको, वहां पे एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर. नाउ मे एब्सॉर्ब अ लिटिल एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस वेरिएबल बीइंग मेजर्ड. जैसे आपको यहाँ पे टाइम मेजर करना है तो वहां से लिटिल बिट एनर्जी यहाँ पे पैसिव इंस्ट्रूमेंट में लेता है, पैसिव इंस्ट्रूमेंट. देन जनरेट द इक्विवेलेंट आउटपुट सिग्नल विदाउट एनर्जाइजिंग द सोर्स. तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, आउटपुट सिग्नल आ रहा है विदाउट एनर्जाइजिंग द सोर्स, मतलब आउटपुट सिग्नल मतलब आपको टेम्परेचर मिल रहा है. देन मेजरमेंट इज कन्वर्टेड इन टू द पैसिव पैरामीटर सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विच नीड्स एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स so as to get the equivalent electrical signal like in the wristwatch or LVDT. Example कौन से active instrument पे के like a thermometer और thermocouple. इसके कौन से है example like a wristwatch, resistance thermometer और pyrometer. These are the example of the passive instrument. The unit outcome achieved in today's lecture are: identified the given contact and non-contact type transducer with justification. Summary of today's lecture. Today we see measurement, measurement type, instrument and various instrument types. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. Similarly, the program specific outcome that we achieve in today's lecture are PSO2. The various important questions asked in MSBT exam are: what is measurement, explain its significance for 4 marks, describe the various types of instrument, define instrument and explain its various types, differentiate between active instrument and passive instrument on the basis of working principle, construction, resolution. In next lecture we see the static characteristics of the instrument. Thanks. For any query, contact to this number.